टेबल टेनिस रैकेट बनाने के लिए सबसे पहले हम करीब 12 इंच की इस तरह से स्लैंटिंग लाइन खींचेंगे, थोड़ा सेंटर में कर लेते हैं इसको। उसके बाद इसे दो हिस्सों में बांटेंगे, तो जो हैंडल वाला हिस्सा है इसका वो थोड़ा सा कम रखेंगे, यानी 1, 2, 3 और 4 इंच पे एक निशान लगाएंगे और ऊपर का हिस्सा करीब 8 इंच का बनेगा, ठीक है। तो अब इसके बाद सबसे पहले हैंडल बनाते हैं। हैंडल बनाने के लिए दोनों साइड में आधा आधा सेंटीमीटर का एक निशान लगा लेंगे और एक लाइन खींचेंगे। इस तरह से। इसके बाद ये हैंडल थोड़ा मोटा होता है, इसकी मोटाई दिखाने के लिए इस तरह से बनाएंगे, जैसे कोई बॉक्स बनाते हैं उस तरह से। और इस लाइन को यहाँ पे मिला देंगे। इसके बाद इसका ऊपर का हिस्सा बनाएंगे जो गोल होता है, एक्चुअली गोल नहीं अंडाकार होता है, तो अंडाकार बनाएंगे। अपने आकार को ठीक कर लेंगे और इसकी मोटाई दिखाने के लिए इस तरह से बनाएंगे। डबल लाइन होगी जो धीरे धीरे नीचे की तरफ चौड़ी हो जाएगी और चौड़ी होते होते यहाँ पर इस लाइन से मिल जाएगी। इधर की लाइन भी ठीक कर लेंगे। इसकी मोटाई को एक ही साइड से दिखाएंगे, सामने की तरफ से उस साइड से वो लाइन नहीं दिखाई देगी। इस तरह से हमारा रफ ब्रैकेट बन गया है। अब हम अपनी अनावश्यक रेखाओं को मिटाकर अपनी लाइंस को प्रॉपर बना लेंगे। हमारा टेबल टेनिस रैकेट बन गया है और अब हम इसमें छाया प्रकाश दिखाएंगे। तो इसकी जो मोटाई वाला हिस्सा है इसमें हम डार्क दिखाएंगे, यहाँ पर एक इस तरह से निशान बना देंगे और उसके बाद इसमें छाया प्रकाश दिखाने के लिए 6B पेंसिल लेंगे।
ये हिस्सा बिल्कुल डार्क दिखाया जाएगा। और इसमें बहुत हल्का सा इस तरह से शेडिंग कर, इसके बाद इस हिस्से को ईयरबड से बराबर करेंगे। हमने एक बार शेडिंग कर ली है, इसके बाद हम दोबारा से शेडिंग करेंगे। और अपनी लाइंस को भी डार्क कर लेंगे। रैकेट बन गया है और अब हमें एक बॉल बनानी है। तो बॉल बहुत बड़ी नहीं बनाएंगे, टेबल टेनिस की बॉल छोटी सी होती है व्हाइट कलर की। हमारा रैकेट और बॉल बन गया है, अब हम अपने चित्र को साफ कर लेंगे। हमारा टेबल टेनिस रैकेट बनकर तैयार है। आशा है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।